हेलो फ्लटर डेवलपर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज की हमारी वीडियो में हम यूजर को हमारी एप्लीकेशन में लॉग इन कराएंगे और अगर आपने मेरी इससे पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने यूजर को हमारी एप्लीकेशन में साइन अप करवाया था तो उसका जो लिंक है वो यहाँ ऊपर आपको शो हो रहा होगा तो काइंडली वहाँ से वो वाली वीडियो भी जाकर देख लें तो चलें शुरू करते हैं सो फॉर लॉग इन बेसिकली हमें जो रजिस्टर स्क्रीन के अंदर Uh, सारी चीजें प्रॉपरली यहाँ पर सेटअप कर लेती, ओके सो so, हम इसी रजिस्टर स्क्रीन को टोटली कॉपी करते हैं लॉग इन स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इट? अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर स्क्रीन जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इसको हम रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पर रजिस्टर को हटा के मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लॉग इन स्क्रीन इट अब उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर जैसे हमारा क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉग इन अकाउंट देन यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है रजिस्टर का इसको मैं कर देता हूँ लॉग इन एंड देन नीचे आने के बाद हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमको एक बटन है बटन में भी रजिस्टर लिखा हम इसको भी कर लेते हैं लॉग इन डेट सेट यहाँ पर हमने इसको सेव किया उसके बाद यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे क्रिएटेड की जगह लॉग इन और उसके बाद हमारे पास ये एवरीथिंग इज गुड टू गो ओके okay, अब बस बेसिकली यहाँ पर जो हमने रजिस्टर स्क्रीन के अंदर क्रिएट यूजर विद ई मेल एंड पासवर्ड लिखा हुआ था हम यहाँ से इसको रिमूव करके हम यहाँ पर कर देंगे साइन इन विद ई मेल एंड पासवर्ड एंड सेफ ओके और अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ हॉट रिलोड एंड जैसे हमारी एप्लीकेशन बेसिकली यहाँ पर ओपन होती है हम इसको लॉग इन करके ट्राई कर लेते हैं मैं यहाँ पर लॉग इन स्क्रीन पर आ चुका हूँ अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी मेल डॉट कॉम एंड पासवर्ड एज यू सी कि हमारा लॉग इन अकाउंट में भी ये सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं और मैं टैप करता हूँ लॉग इन पे सो सी यूजर सक्सेसफुली लॉग इन और हमारी जो वो है यूजर होम स्क्रीन के ऊपर आ चुका है अब मैं इसको हॉट डिलोड करता हूँ सो हॉट डोड करने के बाद बेसिकली अब इशू ये है कि अगर यूजर हमारा ऑलरेडी लॉग इन है बट स्टिल स्प्लैश स्क्रीन के बाद वो जो है दोबारा से हमको यहाँ पर ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर भेज रही है तो अब हमको स्प्लैश स्क्रीन के अंदर कुछ इस तरीके कोड करना है कि इस तरीके की लॉजिक ऐड करनी है कि बेसिकली अगर यूजर लॉग इन है तो वो डायरेक्टली उसको होम स्क्रीन पे भेजे ना के ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर गॉट इट सो बेसिकली अब जो है इस मुतिक हम कोड करते हैं सो फॉर डैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फायर बेस को लेकर आएंगे ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे फायर बेस आथ, ओके एंड देन उसके बाद यहाँ पर ऑट एंड इक्वल्स टू एंड फायर बेस और डॉट इंस्टेंस और यहाँ पर हम लोग सेमी कॉलन लगा के कर लेंगे सेफ गॉट इट अब उसके बाद बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो सुपर डॉट इन स्टेट के बाद यहाँ पर पूरी लॉजिक लिखी हुई है टाइमर की मैं इसको अभी कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ सुपर डॉट इन स्टेट के बाद मैं लिखता हूँ फाइनल यूजर इक्वल्स टू ऊपर जो हमने ऑर्थ लिखा है वो ऑर्थ और फिर उसके बाद डॉट करंट यूजर एंड देन सेमिकॉल उसके बाद हम लिखेंगे इफ यूजर नॉट इक्वल्स टू ओके no. okay. और उसके बाद यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स देने के बाद मैं जो कोड कॉपी किया है उसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट और यहाँ पर ऑप्शन स्क्रीन की जगह मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा होम स्क्रीन वॉट अब बेसिकली यहाँ पर जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है इफ के लिए जो हमारा जो है कर्ली ब्रैकेट उसके बाद जो है हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स और एल्स के बाद दोबारा से इसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर फिर से कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको एज एट इज़ ऑप्शन स्क्रीन रहने देंगे गॉट इट और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ सेव और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट मॉडिफायर प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये अनयूज इम्पोर्ट है उसको रिमूव करके सो कर लिया मैंने सेव अब मैं करता हूँ यहाँ से हॉर्टेलोड और डेनलोड करने के बाद हमारी स्प्लैश स्क्रीन ओपन हुई है स्प्लैश स्क्रीन ओपन होने के बाद एज यू सी के हमारा यूजर ऑलरेडी लॉग इन था तो जो है हमारा यूजर ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन के ऊपर आ चुका है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे हर नई आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें चले बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़